दोस्तों, आपने मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी की रेसिपी तो बहुत बार देखी होगी, मगर क्या आपने कभी फ़िश बिरयानी की मेकिंग देखी है? आज मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक हैदराबादी फ़िश दम बिरयानी की रेसिपी दिखाने वाला हूं। आज हम आए हैं दोस्तों हैदराबाद के तेलंगाना स्टेट फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की कैंटीन में, और यहाँ पर बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त बनाई जाती है। ना सिर्फ बिरयानी बल्कि यहाँ पर फ़िश करी, अपोलो फ़िश, फ़िश फ्राई और भी बहुत सारी आइटम्स आपको खाने को यहाँ पर मिल जाएंगी। और सच बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने भी एक बार यहाँ की बिरयानी चख ली तो आप भी इसके स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। तो बिरयानी बनाने की शुरुआत होती है दोस्तों सुबह के 9 बजे, और सुबह सुबह ये जो फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश बिल्कुल मार्केट से लेके आई जाती है। अलग अलग तरीके की फ़िशेस जो हैं वो यहाँ पे लाके इनकी अलग अलग डिशेस बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों सारी फ़िशेज ला के ना अच्छे से उसको पहले साफ़ किया जाता है, ऊपर की जो स्किन है वो निकाल दी जाती है, और उसके बाद इसके पीसेस किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिरयानी के हिसाब से, फ्राई के हिसाब से और जो भी यहाँ पर डिशेज़ बनती हैं उसके हिसाब से इसके पहले कटिंग की जाती है। तो अभी दोस्तों हमारी जो फ़िश है ना वो काटी जा रही है बिरयानी वाली। जी हाँ दोस्तों, अभी जो मैंने दिखाई थी ना बासा फिश, उसकी कटिंग हो रही है। देख सकते हो ऊपर की स्किन जो है वो निकाल दी गई है और छोटे छोटे पीसेस में इसको काट दिया जा रहा है। ये देखो पीसेस चेक करो ज़रा, है ना बढ़िया। ये बिरयानी का गरम मसाला है, इसमें धनिया, सौंफ, स्टार फूल, इलायची, दालचीनी, जावित्री, जायफल, पूरा मिक्स है ये गरम मसाला। कलकत्ता बिरयानी है बोले तो उसमें आलू जाता और थोड़ा स्वीटपन रहता उसमें, कंपलसरी। कलकत्ता बिरयानी बोले तो आलू कंपलसरी रहता, अरे हैदराबाद का बिरयानी में आलू नहीं रहता। तो ये फिश बिरयानी भी स्पाइसी होगी? हाँ स्पाइसी होगी, जैसे हमारी चिकन बिरयानी। हाँ जैसा चिकन बिरयानी रहता सेम। और जैसे जैसे दोस्तों ये मसाले तड़क रहे ना, इनकी जो खुशबू है ना बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, तो इनको हल्का सा वही गर्म किया जाता है। हाँ हल्का सा रोस्ट करके पाउडर कर लेते हैं। ये ब्राउन अनियन है, जो फिश बिरयानी का मसाला, पहले मसाला हम लोग ऐसा गिनी में मसाला मिला लेते। ये लेमन वाटर, ये कोथमीर पुदीना, ये गरम मसाला जो बनाए सो, ये सॉल्ट, ये मिर्ची पाउडर, ये धनिया, ये हल्दी, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये दही है, थोड़ा पानी मिला के लगाए दही में, अब ये पूरा मिक्स करेंगे। तो ये कितने किलो बिरयानी के लिए बन रहा होगा? 30 किलो, 5-10 मिनट रखेंगे। उसका बाद मसाला पहले फिश डालेंगे उसमें, फिश डालने का बाद ये मसाला उसका ऊपर डाल के राइस डालेंगे। तो दोस्तों सारी चीज़ें डाल ली गई हैं और इनको ना अच्छे से अभी मिक्स किया जा रहा है। आप देख सकते हैं प्याज की क्वांटिटी कितनी अच्छी थी, बरिस्ता जो ब्राउन अनियन था ना, जो फ्राइड अनियन वो डाला गया था, उसकी क्वांटिटी अच्छी थी। उसी से हमारा जो मसाला है वो तैयार हो रहा है ना, हल्के हल्के मसाले डाले गए और दही भी अच्छी खासी क्वांटिटी में डाला गया और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया गया और इसको अभी 10 मिनट तक छोड़ेंगे। 10 मिनट मसालों को रेडी कर लेने के बाद दोस्तों तैयार किया जाता है हमारी फ़िश को। सबसे पहले इसमें डाला जाता है नमक, उसके बाद कॉर्नफ्लावर, उसके बाद लाल मिर्च, और उसके ऊपर से डाला जाता है धनिया, पिसा हुआ धनिया का पाउडर, और हल्का सा पानी लगा के इसको ना अच्छे से कोट कर लिया जाता है, मतलब इसके अंदर कोटिंग कर दी जाती है फ़िश को, अच्छे से मैरिनेट होने के लिए इसको कोट कर दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या बढ़िया तरीके से इसको मिक्स किया जा रहा है और सारे मसालों को ना सारे पीसेस के साथ लपेट दिया जाएगा ताकि जो फ़िश है हमारी वो अच्छे तरीके से, मतलब एक साथ मैरिनेट हो और सभी जगह इवनली मसाला जो है वो स्प्रेड हो उसके अंदर। तो लगभग 10 से 15 मिनट इसको मैरिनेट करने के बाद दोस्तों अब इसको किया जाएगा फ्राई। यहाँ पर देख सकते हो हमारा तेल जो है वो गर्म हो रहा है और इसी के अंदर हमारी फ़िशेस को डाल के अच्छे से फ्राई किया जाएगा। तो दोस्तों हमारी जो फिश है ना वो अच्छे से फ्राई हो रही है, देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पीछे यहाँ पे भट्टी लगी हुई है और इसी के अंदर जो हमारी फिशेज है वो फ्राई की जा रही है। और फ्राई करने के बाद हमारी जो फिश है ना उसको डाला जाएगा, चावल के साथ मिक्स करके दम दिया जाएगा और उससे बिरयानी तैयार होगी। एक कॉन्सेप्ट जो है ना फिश बिरयानी बनाने का वो ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे चिकन बिरयानी बनाई जाती है। पहले चिकन में सारे मसाले मिलाए जाते हैं, उसको अच्छे से फ्राई किया जाता है और एक लेयरिंग करके नीचे सबसे पहले हम अपने चिकन को डालते हैं, उसके ऊपर राइस डाल के सारी चीज़ें डाल के उसको दम लगाते हैं। तो कॉन्सेप्ट जो है वो फिश बिरयानी का ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ मसालों का फ़र्क ज़रूर होगा क्योंकि इसमें मसाले ज़्यादा नहीं डाले, सिर्फ एक या दो लाल मिर्च, धनिया और ये 2-3 चीज़ें ही डाली गई है, ज़्यादा कुछ डाला नहीं गया था। तो उसी से हमारी जो बिरयानी है वो तैयार की जा रही है। ये जब एक बार हमारी जो फ़िश है ना वो फ्राई हो जाएगी तब उसके बाद इसको लेयर किया जाएगा और कुक किया जाएगा।
ये जो पीस फ्राई करे ये फ्राई पीस यहाँ डाल देंगे। ये ग्रीन चिली है, ये नमक, ये गरम मसाला, ये कोथमीर पुदीना, ये राइस का रेडी होगा। अब इसमें राइस डालेंगे। तो अभी डाला जा रहा है दोस्तों से अंदर पानी के अंदर ना सारा का सारा चावल जो कि बासमती चावल है वो यूज़ किया जा रहा है और वो डाल दिया गया है। और इसमें ना मैंने एक चीज़ देखी कि पानी के अंदर ना मसाले डाले गए हैं, तो जो हमारा फ्लेवर है ना राइस का वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि मसाले यूज़ किए गए। आमतौर पर मसाले यूज़ नहीं करते, मतलब खड़े मसाले यूज़ करते हैं बेसिकली, और यहाँ पर पिसा हुआ मसाला जो है वो डाला गया था। ये मसाला जो रेडी करें हम लोग का, ये मसाला इसमें डालेंगे, डाल के थोड़ा पानी मिला के मिक्सिंग करेंगे। अब एक एक करके दोस्तों मसाला फिश सब चीज़ों की लेयरिंग जैसे मैंने आपको बताया ना जो बिरयानी है बेसिकली की जाती है, तो वही डाला जा रहा है। ये देखो एक चीज़ तो है दोस्तों, यहाँ पे मैंने देखा जिस तरीके से हमारे चिकन को अच्छे से मसाले के साथ पकाने के बाद इसमें डाले जाता है, लेयरिंग की जाती है, अगर यहाँ पे ना फिश फ्राई करने के बाद सीधा ही इसके अंदर कच्चे मसाले डाले गए हैं दही के साथ मिक्स करके। हाँ, जो प्याज था हमारा वो ज़रूर ब्राउन किया हुआ था, मगर जो मसाले डाले गए हैं वो कच्चे डाले गए हैं। तो ये मेरे ख्याल से जब चावल डालने के बाद दब लगाएंगे तो मसाले उसी के साथ पकेंगे, तो ये एक डिफरेंट चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का बढ़िया कंटेंट ना हम ऑल ओवर वर्ल्ड से ढूंढ के लाते रहते हैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया सा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ करिएगा, क्योंकि कभी वो हैदराबाद आते हैं या फिर हैदराबाद से है तो वो भी अगर आते हैं यहाँ पर तो उनको भी खा के मज़ा आ जाए ना। तो दोस्तों हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, 80% लगभग इसको कुक कर दिया गया, बाकी का इसमें दम में जाने के बाद तो पक ही जाएगा ऑब्वियसली। तो ये डाला जा रहा है अब हमारे फिश के ऊपर। तो ये फिश बिरयानी भैया आप ही लोग बनाते हो यहाँ पे? हाँ, पूरा हैदराबाद में एक ही है। अच्छा, हम लोग का सिवा ऐसा दम बिरयानी कोई भी नहीं बनाते। तो सिर्फ यहीं पे खाने को मिलेगी? हाँ, मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट में भी काम करा, वो क्या करते हैं बिरयानी का राइस लेके फ्राई पैन में फिश टॉस करके ऊपर लगा के देते, मगर दम कोई नहीं लगाते। ये पूरा हैदराबाद में हम लोग ही है कि दम लगा के देते। मसाला बोले तो लाइट जैसा मसाला, कोई कलर नहीं यूज़ करते, कोई केमिकल नहीं यूज़ करते, खाली हल्दी मिर्ची धनिया गरम मसाला बस, केवड़ा वेवड़ा कुछ भी नहीं डालते, ऐसा लाइट डायरेक्ट दम दे के देते। तो जो फ्लेवर आता होगा पूरा प्रॉपर फिश वाला जो आता होगा? हाँ, पूरा फिश और गरम मसाला। ये कोथमीर डालिए, ये भी कोथमीर, ये लाइट गरम मसाला जो हैंडमेड गरम मसाला था, ये गरम मसाला बस, अब दम लगा देंगे। तो यहाँ पे ना एक चीज़ आपको देखने को मिली, कभी भी खाना जो है ना वो सर्व किया जाता है उसमें केले का पत्ता ज़रूर बिछाया जाता है ना, केले के पत्ते को यहाँ पे काफ़ी अच्छा माना जाता है और उसके अंदर ही जो खाना है वो सर्व किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए केले के पत्ते को ना पहले कटिंग की जाएगी, पहले साफ़ कर लिया गया है, उसके बाद इसकी अच्छे से कटिंग की जाएगी। और यहाँ पे ना कटिंग भी जो है ना वो गोल बिल्कुल प्लेट के शेप में की जा रही है, क्योंकि ये सर्व जो अब ये करेंगे ना तो वो प्लेट के अंदर ही देंगे। ये देखिए इस तरीके से कुछ कटिंग करने के बाद इसको राउंड शेप में, प्लेट की शेप में राउंड राउंड इसको काटा जा रहा है और इसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये देखिए बढ़िया तरीके से इसकी कटिंग कर दी गई है बिल्कुल राउंड शेप में, ये देखो ये हो गया। और ये जा रहा है इस टोकरी के अंदर जहाँ पे सारे केले के पत्ते जो हैं वो स्टोर किए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया जो सर्व किया जाएगा ना प्लेट के अंदर ही सर्व किया जाएगा। तो ये देखिए एक एक पत्ते को यहाँ पे अच्छे से साफ़ करके ना प्लेट के अंदर लगाया जा रहा है, स्टैक बनाए जा रहे हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और इसी के अंदर जो सारा का सारा जो खाना है ना वो सर्व किया जाएगा। और अब फाइनली लगभग 20 मिनट के बाद हमारी जो बिरयानी की डेग है वो खोली गई है और ये देख सकते हो, वाह क्या बात है, बिल्कुल धुआंधार धुएं छोड़ते हमारी बिरयानी बनकर रेडी है। वाह जी वाह दोस्तों, ये देख सकते हो क्या लाजवाब, यहाँ पे हमारी जो ग्रेवी है ना मछली और ग्रेवी नीचे से निकली है, बिरयानी की कटिंग शुरू हो चुकी है, ज़बरदस्त। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अभी हमारी बिरयानी जो है ना बिल्कुल बन के निकली है और यहाँ पे देखिए क्या बढ़िया तरीके से क्राउड जो है ना बिल्कुल लग चुका है। और अपने अपने टोकन, सबसे पहले यहाँ पे टोकन दिया जाता है, टोकन आप लेके आते हैं तो अपने हिसाब से जो चीज़ें ऑर्डर करना चाहते हैं वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो बस बिरयानी भी हमारी रेडी है, मज़ूर की कटिंग हो रही है और यहाँ पर सर्विंग जो है वो भी शुरू हो चुकी है। और बिरयानी की क्वांटिटी भी चेक कर सकते हो, एक प्लेट में जो क्वांटिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। ये एक प्लेट की क्वांटिटी भैया, एक प्लेट की क्वांटिटी है, क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। यहाँ पे ये चेक करो तो दो प्लेट तो भैया के मिल गए, सबसे पहला ऑर्डर भैया का जा रहा है, देखो खुश होके जा रहे हैं, हैप्पी फाइव। तो भाई यहाँ पे सेकंड ऑर्डर लग गया है और धड़ाधड़ यहाँ पे ऑर्डर्स जो है ना अब लगने शुरू हो चुके हैं। ये चेक करो ज़रा, ये देखिए यहाँ पे सैलेड डाला जा रहा है, हल्का सा सैलेड डाला जा रहा है, नींबू दिया जा रहा है और ये देखिए प्लेट सर्व किया जा रहा है। ये देखिए डालेगी ग्रेवी, प्याज और साइड में कर दिया गया और वहाँ से आया हमारे बिरयानी, ग्रेवी, प्याज और लेमन, वाह ये गया।
सो आई होप दोस्तों ये हैदराबाद सीरीज़ की सारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं बता दूं आपको दोस्तों कि जो पूरी हैदराबाद सीरीज़ है ना हमारी, वो सपोर्ट करी है द मटन पॉट ने। जी हाँ दोस्तों, जो ऑथेंटिक आहुना मटन की जो स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, वो प्रोवाइड करते हैं यह इनका पैकेट। आप अगर घर पे बनाना चाहते हैं या फिर आप कमर्शियल किचन रन करते हैं तो आप इजीली इसको मंगवा सकते हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट जो है ना वो अपने घर में पा सकते हैं या फिर आपका जो किचन है उसमें यूज़ कर सकते हैं। मंगवाना कैसे है दोस्तों, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर इनकी वेबसाइट या फिर अमेजन के थ्रू आप इसको ईजिली ऑर्डर कर सकते हैं। ये देख रहे हो दोस्तों क्या बढ़िया क्वान्टिटी में यहाँ पर जो हमारी फ़िश बिरयानी है वो सर्व की गई है। भाई साहब इतनी क्वांटिटी में ना मैंने तो नहीं देखा किसी भी शॉप में ना या किसी भी रेस्टोरेंट में इतनी क्वांटिटी में बिरयानी सर्व करते हुए। इसके अंदर 3 से 4 फिश के पीसेज हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी में राइस डाला गया। और राइस भी देखो बिल्कुल खिले खिले, बिल्कुल पतले वाले जो होते हैं ना बासमती राइस, वो यूज़ किए गए हैं। साथ में यहाँ पे ग्रेवी यानी सालन जो है वो सर्व किया हुआ है, कुछ सैलड्स वगैरह है और लेमन सर्व किया हुआ है। और जैसे कि साउथ इंडिया में ट्रेंड होता है ना, जो एक माना जाता है कि भाई शुभ माना जाता है, जैसे कि केले के पत्ते को अगर खिलाना तो कुछ उसी तरीके से इसमें सर्व किया हुआ है। तो इतनी बिरयानी तो भैया मैं नहीं खा पाऊँगा है ना, थोड़ी सी निकाल के अलग प्लेट में ले लेते हैं, इसको करते हैं साइड। और ये हमने अपनी अलग प्लेट ली है और देखो इसके अंदर भी ये केले का पत्ता डाला हुआ है। तो ये लेते हैं और हमारी जो बिरयानी है वो निकालते हैं। आ जाओ गर्मा गर्म बिरयानी फटाफट से निकालते हैं इससे पहले कि ज़्यादा ठंडी हो जाए। देखो थोड़ी बहुत ठंडी तो हम लोग कर भी देते हैं। और हाँ ये देखो रहे मिर्च, हाँ हाँ थोड़ा बहुत जैसे मैं बोल रहा था दोस्तों हम लोग ठंडा कर भी देते हैं क्योंकि भाई फ़ोटोज़ खींचने में, वीडियोज़ बनाने में, रील्स बनाने में ये तो टाइम लगता ही है ना। तो ये ले लेते हैं राइस ऊपर से हल्का सा थोड़ा सा और टेस्ट करते हैं ना, इसको तो करते हैं साइड। और ये सालन भी मैं ट्राई करना चाहूँगा तो एक बार यहाँ पे लेता हूँ और थोड़ा सा सैलड और ले लेता हूँ। और भाई साहब हमारे जो है वो प्लेट हटा ही जा रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं मुझे भी खाना है। तो कोई बात नहीं, उनको भी देंगे एक चम्मच। खैर चम्मच का तो हमें कोई काम नहीं क्योंकि बिरयानी तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों हाथों से खाने में ही मज़ा आता है ना। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने ले लिया है, पूरी क्वांटिटी तो रखी हुई है। और सबसे पहले ये राइस चेक करो, बिल्कुल खिले खिले पतले वाले राइस हैं है ना। और आ जाओ फिश चेक करते हैं भाई, बिल्कुल फ्रेश फिश आई थी हमारे सामने, आई है हमारे सामने, इसकी कटिंग हुई है, मैरिनेशन हुआ और सारी प्रिपरेशन जो है ना सुबह सुबह से हम लगे हुए दोस्तों ये शूट करने में। और आओ अभी ये चेक करो फिश का पीस, ओ देख रहे हो कितनी फ्रेश फिश थी, बिल्कुल टूट गई आराम से। और खैर फिश तो होती है बिल्कुल सॉफ्ट है मगर ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जो घुल जाए है ना। तो अच्छे से इसको फ्राई किया गया था और उसके बाद इसको राइस के साथ दम दिया गया। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ फिश। वाह फिश ना अच्छे से कुक हुई है, बिल्कुल मसालेदार चटपटी है और इसका जो तीखापन है ना दोस्तों बड़ा ही ज़बरदस्त है भाई। और जो इसमें हरी मिर्च भी डाली गई थी ना राइस के अंदर मेरे ख्याल से, ये देखो ये वाली भाई ये जैसे ही डाले ना पानी के अंदर इतना ज़बरदस्त नाक में लगा था ना, बहुत मज़े। तो अब चावल के साथ हल्का सा टेस्ट करते हैं, लेते हैं फिश यहाँ पे राइस। ओहो ज़्यादा नहीं तोड़ूंगा फिश को वरना पूरा ही टूट जाएगा ना। और ये बाइट बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर है चिकन बिरयानी से, मटन बिरयानी से, बिल्कुल ही अलग मसाला इसका यूज़ किया गया बनाने में। हालांकि इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले गए मगर जो फ्लेवर आ रहा है ना बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट आ रहा है। ज़्यादा अरोमा हमें फ़िश का आ रहा है ना, इसमें केवड़ा वाटर डाला है ना रोज़ वाटर, मगर ओहो क्या बिरयानी है यार मज़े वाली। थोड़ा सा ये सालन भी डालते हैं है ना, इसके साथ एक बार ट्राई करते हैं, ये मिक्स करते हैं। अच्छा रायता सालन वगैरह ग्रेवी वगैरह आप जितना मर्जी ले सकते हैं, बाहर काउंटर लगा हुआ है वहाँ से आप जितना रिफ़िल करवा सकते हैं करवा सकते हैं। ग्रेवी में ना इमली का बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर है, एक उसकी खुशबू है, हल्का सा खट्टापन मीठापन है, बहुत अमेजिंग है। वाह ग्रेवी तो और भी बढ़िया बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं फिनिश करता हूँ, बिरयानी हो गई मेरी, फिर फ्राइड आइटम जो रखी हुई हैं सारी चीज़ें फिनिश करता हूँ और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। और यहाँ आने के लिए ना यहाँ का एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आइए यहाँ के टेस्टी जिसके खाने का ना मज़ा उठाइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जा दीजिएगा, बाय बाय।